प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 500 का 15% कितना होगा। 500 का 15% कितना होगा, तो इसका होगा 500। 500 का मतलब गुना होता है 15%, के मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, 100 से भाग, प्रतिशत का मतलब 100 से भाग हो जाएगा, 100 दूजियों से दूजियों काटेंगे बच जाएगा यहाँ 5 × 15, 5 × 15 यानी 15×5 = 75 हो जाएगा। यानी 500 का 15% कितना होगा, तो 500 का 15% 75 रुपया हो गया। रहेगा जैसे 2000 का, 2000 का 25% कितना होगा, कितना होगा, तो वैसे ही करेंगे। 2000 का मतलब गुना 25% से मतलब 100 से भाग कितना होगा, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको बचा यहाँ कितना 20 × 25, 20 × 25 बचा, तो 25 × 50 = 500 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर और रहेगा इसका, जैसे 5000, 5000 का 20% कितना होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे 5000 का मतलब गुना, का मतलब गुना 20% के मतलब 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, बचा यहाँ 50 × 20 यानी 5 × 10 हो जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 1000 रुपया। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन है का 10000 रुपया का, 10000 रुपया का 20% कितना रुपया होगा। फिर उसी तरह से इसको देखेंगे, 10000, 10000 का मतलब गुना 20% यानी 20% का मतलब 100 से भाग कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका हुआ कितना बच्चा यहाँ 100 × 20 यानी 2000 रुपया, 2000 रुपया हो गया इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, कितना का 25% 400 रुपया होगा, कितना का 25% 400, तो कितना हमको पता नहीं है, तो कितना को हम x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, a b c कुछ भी मान लेंगे, तो कितना का 25% 400 रुपया है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, पहले हम x मान के बनाएंगे, जैसे देखेंगे कितना को हम लिखेंगे x का, कितना का जबरे x मतलब कितना का, तो x का 25% बराबर 400 होगा, कितना का 25% बराबर 400, तो फिर x का 25% बराबर 400, तो x का मतलब गुना 25% के बदले में नीचे में 100 से भाग करेंगे बराबर 400। इसको 25 से काटेंगे, 25 एक का ही और 25 चौक का, और होगा x, यहाँ x बचा और यहाँ 1 बचा, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बट्टे में 4 है तो 4 हो जाएगा बराबर 400 है, तो 400 इसको कर देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे इस ऊपर से इस नीचे का, इस नीचे से इस ऊपर को, तो x में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 4 में 400 से गुना करेंगे तो 4 × 4 = 1600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कितना का 25% 200 रुपया होगा। फिर उसी तरह से कितना का 25%, यहाँ इस क्वेश्चन को इसको और दूसरा तरीका से भी बना सकते थे इसको, यानी 25% बराबर 400 होगा है तो 100% बराबर, यहाँ इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, यानी 25% बराबर 400 है
1% निकालेंगे, 1% बराबर 400 बट्टा 25 हो जाएगा, इसलिए 100% मतलब कुल निकालने के लिए 100% निकालेंगे, 100% बराबर 400 बट्टा 25 अगुने 100 गुने 100 कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, चार में 400 से गुना करेंगे तो 4 चौका 1600। इस तरह से ही बना सकते थे। फिर इसे आगे है, वही क्वेश्चन है इसका कि कितना का 25% दोष होगा। तो दो तरह से बना सकते हैं, पहला मान लेंगे एक्स कि एक्स का 25% बराबर 200, तो एक्स का मतलब गुना 25% के बदले में 100 से भाग बराबर 200, फिर 25 एक मरतबे, 25 चार मरतबे। अब क्या होगा, एक एक्स को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, अब बट्टा में 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर 200 है 200, और इसको क्रॉस गुना करने के लिए बट्टे में एक कर देंगे, बट्टे में एक कर देंगे, अब क्रॉस गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, और 200 को 4 से गुना करेंगे 4 दुना 800 हो जाएगा, 800 इसको आंसर, मतलब कितना का 25% 200 होगा, तो 800 का 25% 200 होगा। या दूसरे तरह से इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं कि 25% बराबर 200 है, 1% बराबर 200 बट्टा में 25 हो जाएगा, इसलिए 100% निकालना है, 100% बराबर 200 बट्टा 25 गुने 100, जो काटेंगे 25 चौका 4 से, 200 में 4 से गुना करेंगे 4 दुना 800 रुपया हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं इसको। फिर अगला है, 800 का कितना प्रतिशत 100 होगा, 800 का कितना प्रतिशत 100 होगा, तो इसको लिखेंगे 800 का कितना प्रतिशत, पता नहीं कितना प्रतिशत, कितना के जगह पर हम लिख देंगे एक्स लिखेंगे प्रतिशत, तो 800 का एक्स प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 100 लिखेंगे, तो 800 का मतलब गुना एक्स प्रतिशत के बदले में 100 से भाग बराबर 100। अब इस दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, बचा कितना 8 और एक्स बचा, तो 8 गुना एक्स यानी 8x बराबर कितना है 100 है, तो 100 लिख देंगे इसको, 8x बराबर 100, तो यहाँ से x छांट लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे में ही इस ये 8 नीचे में चला आएगा, 8 काटेंगे तो 12 अट्ठे 96 इसको हो जाएगा 12.5, इसको काटेंगे तो 12.5% 12.5% हो जाएगा, यानी 800 का कितना प्रतिशत 100 होगा, तो 800 का 12.5% 12.5% बराबर 100 होगा। फिर इससे आगे क्वेश्चन है, 5000 का कितना प्रतिशत, 5000 का कितना प्रतिशत 1250 होगा, 5000 का कितना प्रतिशत 1250 रुपया होगा, तो इसको लिखेंगे 5000 का कितना प्रतिशत के जगह पर लिखेंगे x प्रतिशत बराबर 1250, फिर इसको लिख देंगे 5000 का मतलब गुना x प्रतिशत के बदले में 100 से भाग बराबर 1250। अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, बचा यहाँ कितना 50 एक्स, यहाँ बचा 50x, नीचे में कुछ नहीं बचा, बराबर 1250। इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, तो बचा यहाँ 5x बचा, 5x बराबर 125 हुआ, यहाँ 5 से इसको भी काट देंगे, 25×5=125, यानी x बराबर 25%, x बराबर 25 है, यानी 5000 का कितना प्रतिशत 1250 होगा, तो 5000 का 25% बराबर
कितना 1250 होगा। फिर से आगे है कि 40% है 800 के बराबर, तो 60% कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 40% बराबर 800, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी सही कर देंगे, यानी 40% बराबर है 800 के, 40% बराबर 800, 1% बराबर 800 बट्टे में इस 40 को ला देंगे तो कह रहा 60% बराबर, तो 60% बराबर, 60% बराबर 800 बट्टे 40 तो है ही, अब गुने 60 कर देंगे, इसको काटेंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो इसको काट देंगे, अब 20 चौका 80 काट देंगे, 20 बचा कितना यहाँ, 20 गुने 60, 20 गुने 60 तो 6 दुना 12 और 0 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपया यानी 40% का 800 बराबर 60% की, यानी 40% 800 के बराबर है, तो उसी का 60% जो हो जाएगा 1200 के बराबर हो जाएगा। किसी भी कोई भी संख्या का, कोई भी जो है धन का 40% किसी भी धन का, किसी भी संख्या का 40% 800 बड़ा है, तो उसी धन का 60% 1200 रुपया हो जाएगा। फिर आगे है 25% है 1200 के बराबर, तो 80% किसके बराबर होगा, वही क्वेश्चन है, यानी 25% बराबर है 1200 के बराबर, 25% बराबर 1200, 1% बराबर 1200 बट्टा 25 है, इसलिए कहा जा रहा 80%, तो 80% बराबर, 80% बराबर 1200 बट्टे 25 अगुने 80, इसको काटेंगे, इसको तो 12 चौक 48, मतलब 25 को 48 मतलब काटेंगे 1200 हो जाएगा, यहाँ 4800 अगुने 80 मतलब हो गया ये 48 अगुने 80, अब गुना करके लिखेंगे 8 8 64 के 4 में 6, 8 चौका 32 और 6 38, एक जीरो यहाँ, यानी 3840 हो जाए, यानी 25% है 1200 के, किसी भी संख्या का 25%, उस संख्या का 25% 1200 के बराबर है, तो उसी संख्या का 80% 3840 के बराबर हो जाएगा। फिर आगे है 2500 के 10% कितना के 20% के बराबर होगा, यानी 2500 का या के, 2500 का यहाँ लिखेंगे 2500 का 10% बराबर कितना के 20% के बराबर होगा, मतलब कितना पता नहीं है तो यहाँ एक्स मान लेंगे, एक्स का 20% दोनों बराबर है, यानी जितना 2500 का 10% वो कितना का 20% के बराबर है, तो इसको सोल्व करेंगे 2500 का 10% के बदले में नीचे 100 बराबर, यहाँ एक्स का मतलब गुना 20% के बदले में 100, इसको हम करेंगे क्या, बराबर के दोनों तरफ अगर 100 रहे नीचे में या ऊपर में तो कट जाएगा, तो 100 से इस 100 से 100 कट जाएगा, और इस 100 से कट जाएगा, इसके बाद इस 10 से 20 को काटेंगे, तो 10 इस 10 से 10 दूना 20, दो मरतबे कट गया, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 2500, और इसके बाद यहाँ बच्चा एक्स और दो मतलब 2x, 2500 बराबर 2x, यानी तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2500 बट्टा 2 यानी 1250 काटेंगे तो 1250 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 1250 रुपया हो जाएगा, यानी 2500 के 10% कितना के 20% के बराबर है, तो 1250, यानी यहाँ एक्स की जगह पर आया है 1250, 2500 के 10% 1250 के 20% के बराबर है, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 2500 के 10% निकालेंगे जितना होगा वही 1250 के 20% निकालेंगे तो उतना ही होगा। फिर अगला है 12000 के 50% कितना के 25% के बराबर है,
12,000 के 50%, 12,000 के 50% बराबर कितना के, मतलब एक्स मानेंगे, एक्स के 25% के बराबर है। फिर इसको सोल्व करेंगे, 12,000 का के मतलब गुना 50%, यानी 50% के बदले में नीचे में 100 बराबर एक्स का या के 25%, एक्स का मतलब गुना 25% के बदले में नीचे में 100, नीचे दोनों ओर 100 है और बराबर के दोनों तरफ है, तो इसको 100 से 100 कट जाएगा नीचे से नीचे, और इस 25 से 50 को काटेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 2 मरतबा। अब यहाँ हुआ 12,000, ये हो गया 2, यहाँ हुआ 12,000 × 2, 12 दूना 24,000, 24,000 अब बराबर एक्स, एक्स बचा यानी एक्स, एक्स बराबर 24,000 हुआ, यानी 12,000 के 50% तो कितना के, यानी 24,000 के, 24,000 के 25% के बराबर है, यानी 12,000 के 50% जितना होगा उतना ही 24,000 के 25% होगा, यानी तो ये 24,000 हो जाएगा आंसर। फिर अगला है, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, वह उसका, यहाँ क्वेश्चन में है, वह उसका यहाँ 20% होगा, यहाँ 20% लिखना होगा, उसका 20% है, यहाँ 20% है, 20% खर्च कर देता तो उसके पास कितना रुपया बचेगा। किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, वह उसका 20%, यहाँ 20% छूटा हुआ है, 20% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना रुपया बचेगा। तो इसको मतलब 20% खर्च कर दिया, यानी उसके पास बचा कितना, 80% ही बचा, कि क्योंकि कोई भी धन जो होता है, कोई भी धन जो होता है, कोई भी धन होता है 100% होता है, तो उसके पास 100%, इसके पास मतलब कि टोटल 100% था 10,000, यानी 100% उसके पास था, कितना 10,000 के बराबर, 10,000 था, 10,000 था मतलब 100% था उसके पास, लेकिन उसका 20% तो खर्च कर दिया, यानी अब बचा कितना, 80% ही बचा, 20% खर्च करने का 80% बचा, तो यही है 100% बराबर 10,000 रुपया। तो 1% निकालेंगे पहले, 1% बराबर 10,000/100 मतलब 100, तो बचा है उसके पास 80%, 80% ही बचा, 20% खर्च करने के बाद 80% ही बचा है, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, तो 10,000/100 × 80 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, बचा कितना, यहाँ 100 बचा, यहाँ 80 बचा, यानी 100/80 यानी 8,000, 8,000 रुपया बचा, यानी उसके पास 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया में से वो 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, शेष उसके पास बचा कितना बचा है, तो शेष उसको बचा है 8,000 रुपया ही बचा है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल 5,000 रुपया है, उसको 20% के लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल कितना होगा, मतलब क्रय मूल जो होता है 100% होता है, क्रय, क्रय मूल यानी 100%, क्रय मूल मतलब 100% होता है, क्रय मूल मतलब 100%, यानी 100% उसके क्रय मूल यहाँ दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है, यानी 5,000 रुपया, यानी 100% यानी 100% बराबर उसके पास है 5,000 रुपया, 1% बराबर 5,000/100 रुपया, 5,000/100 रुपया है, तो 20% के लाभ होता है, मतलब 20% और बढ़ जाएगा, 100% था उसे 20% और बढ़ गया, यानी 120%, 120% बराबर कितना होगा, यानी 100% उसके पास 5,000 रुपये के बराबर है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो जो बढ़ जाता है 20% के लाभ होने पर इसको लिखेंगे, यहाँ 120% बराबर 5,000
100 अगुना 120, 120 इसको दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, बचा यहाँ कितना 50 गुने 120, गुना कर देंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यानी दो जीरो, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया हो गया। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया था, मतलब उसका 5,000 रुपये में खरीद ले था, 100% 5,000 था, और उसको 20% के लाभ पर बेचने पर उसको 6,000 रुपये में बिकेगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। फिर अगला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, उसको 25% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य मतलब 100%, क्रय मूल्य मतलब 100%, क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपया, मतलब 100% बराबर 10,000 रुपया है, उसको 25% की हानि हो रही है, यानी कि हानि हो रही है, मतलब 100 से 25 घट जाएगा, हानि हो रहा है, यानी 75% बराबर निकालना होगा, 100 में से 25 घटेगा तो 75%, तो 100% बराबर उसके पास है यानी क्रय मूल्य बराबर 100% होता है, क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। इसके पास 100% बराबर कितना, 10,000 है, मतलब 100% यहाँ से इसको 100%, मतलब 100% बराबर उसके पास, 100% बराबर है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1%, 1% बराबर हो जाएगा 10,000 बटे ये 100 नीचे आ जाता है, 100, 10,000 बटे 100 यानी 100 रुपया। तो यहाँ कहा 25% की हानि पर, यानी उसके पास बचा 75%, तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, 75% बराबर इसको लिखेंगे 10 बटे 100 अगुने 75, 75 दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, बचा यहाँ तक 100 अगुने 75, यानी 7,500 रुपया, 7,500 रुपया इसका आंसर है। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% 10,000 रुपया था, और 25% के हानि पर, मैंने 25% घाटा लग गया, तो कितना बिका, 7,500 रुपया में बिका, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया हो गया उसका। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1,000 रुपया बेचने पर, किसी वस्तु को 1,000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी हानि 20% की हानि होती है, यानी 80% ही उसको प्राप्त हो रहा है, होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 20% और 100 से 20% बढ़ा देंगे, यानी 120%, 120% बराबर कितना होगा, मतलब 100 रुपया 1,000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी इसका मतलब 20% की हानि हो रही है, यानी 80% ही, 1,000 जो है 80% के बराबर ही है, तो हमको 120% निकालना है। तो पहले इसको हम लिखेंगे 80% ही मिला, क्योंकि 120% हानि हो रहा है, 100% में 20% हानि हो रहा है, यानी 80% बचा, तो 80% बराबर है, 80% बराबर 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, 1% बराबर 1,000 बटे 80 रुपया है, इसलिए, और इसको क्रय मूल्य 100% अगर निकालना रहेगा तो क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, चाहे डायरेक्ट भी इसको 120% निकाल लेंगे, तो पहले 100% निकाल लेते हैं, 100% बराबर हो गया 1,000 बट्टे 80 अगुने 100 रुपया, इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और 4 से काट देंगे तो इसको 250 चौका 1,000, यहाँ बचा कितना 250 अगुने 5, यानी 25 पंचे 125, 1,250 रुपया हुआ,
यानी उसका क्रय मूल्य निकल गया 100%, मतलब क्रय मूल्य निकल गया उसका 1250 रुपया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है 120%, मतलब 20% लाभ पर बेचना है, तो 100% बराबर है इसको, 100% बराबर 1250 है, यानी 100% 100% बराबर है इसको 1250 रुपया, 1% बराबर हो जाएगा 1250/100, इसलिए 20% के लाभ है, मतलब 120%, 120% बराबर 1250/100 × 120, इसको काटेंगे तो 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, और इसको काट देंगे 5 से काटेंगे तो 25, यानी 50 मतलब है 25 × 5 = 250, मतलब कट गया, यहाँ हुआ 250 × 6, तो 6 गुना कर रहे हैं इसको, 6 × 0 = 0, 6 × 5 = 30 की 0 हाथ में 3, 6 × 2 = 12, 3 = 1500, 1500 रुपया में बेचेंगे, 1500 रुपया में बेचेंगे इसको, 1500 रुपया। तो यानी इसका 20% लाभ कमाने के इसको 1500 रुपया में बिके गए। तो इस तरह से लगभग यहाँ 14 क्वेश्चन था जो प्रतिशत और लाभ हानि से था। फिर इससे आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।